पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की टोनी ब्लिंकन जो अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनसे पहली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और उसमें जिस सख्ती से रिपोर्टेडली गुफ्तगू की है अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने। और जब जाहिर है हाथी को मुश्किल पड़ती है तो फिर क्या होता है, वो दूसरे जानवरों को रोनता है। अगर किसी को ये उम्मीद थी कि जो बाइडन की गवर्नमेंट जब आएगी और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है वो अहमकों की जन्नत में बसता है। अभी इंडिया के नेशनल से अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से तो बात की, उनकी राजनाथ सिंह से भी बात हो गई है वहाँ पे जो उनके डिफेंस मिनिस्टर उनकी। हम उसी तरह करेंगे जिस तरह अमरीकन से आएंगे। अमेरिका आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान को डू मोर या कुछ और करो कहने को कह रहा है? आसान शब्दों में कहें तो लताड़ पे लताड़ लगा रहा है, जबकि पाकिस्तान को यह विश्वास था कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद नए राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन का रवैया उसके प्रति नरम होगा। आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्यों अमेरिका प्रशासन का रुख पाकिस्तान के प्रति कड़ा है और भारत के प्रति कुछ ज्यादा ही नरम दिख रहा है। पर इन सब के पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान की मीडिया में जारिया आरिफ और उनके पैनल द्वारा अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति इस कड़े रवैये को किस प्रकार से देखा जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की टोनी ब्लिंकन जो अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनसे पहली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और जो तफसीलात मुझे मिली हैं उससे अगर किसी को ये उम्मीद थी कि जो बाइडन की गवर्नमेंट जब आएगी और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है वो अहमकों की जन्नत में बसता है। पहला जो टेलीफोन कॉल हुई है उसमें जो मामला दरपेश हुआ और उसमें जिस सख्ती से रिपोर्टेडली गुफ्तगू की है अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, उससे पता चलता है कि टू मोर की जो रट है अमेरिका बहुत ज्यादा लगाने वाला आने वाले वक्तों में। टोनी ब्लिंकन की एक ट्वीट ये सामने आई कि हमें पाकिस्तान पर जो है उससे पे हमने अपनी तश्वीश जो है इजहार कर दिया है। जो मामलात हैं, क्या पाकिस्तान इसमें अमेरिका के खदशात उसके तहफ़ुज़ात दूर कर सकता है या नहीं? इट मीन कि टोनी ब्लिंकन ने बात कर ली, अभी इंडिया के नेशनल से अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से तो बात की, उनकी राजनाथ सिंह से भी बात हो गई है वहां पे जो उनके डिफेंस मिनिस्टर उनकी। लेकिन पाकिस्तान जो जिसने इतनी बड़ी जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, उन्होंने अभी तक कोई बातचीत नहीं की। बल्कि डैनियल प्रेल के ऊपर टोनी ब्लिंकन ने आपने खुद उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से बात कर ली जी। तो बात यह है कि एक चीज तो साफ जाहिर है कि डिक्टेशन जिस तरह दी जाएगी, अब आप ही कह रहे हैं कि प्रेशर डाला जा रहा है डैनियल पर्ल के हवाले से और हम वो प्रेशर ले भी रहे हैं, इसलिए अब पाकिस्तान के हम उसी तरह करेंगे जिस तरह अमरीकन से आएंगे, क्योंकि डैनियल पर्ल है अमरीकन है। अब जब वो डिक्टेशन देंगे तो आप खुद ही देख लीजिए कि हमें क्या करना पड़ेगा और हम क्या करेंगे, आप खुद ही जानती है। इसके ऊपर कोई बहस क्या करेंगे हम इसके ऊपर? उन्होंने कहा जी कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल के जो मुलजमान है उनको बरी कर दिया है, उनकी रिहाई का हुक्म दिया है, तो हमें इस पर बड़ी तशवीश है। अब जरा मुनाफकत का अंदाजा लगाएं, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला कर दे तो वो आईन और कानून का है, और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो उसमें ये उन्होंने कह दिया है जनाब के ये आपका जो फैसला है ये गलत है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अमेरिका का प्रेशर ये आया है पाकिस्तान की हुकूमत पर कि उमर अहमद शेख को गिरफ्तार रखें। लेकिन अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से ये कह रहा है कि आप डू मोर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते। मुझे तो नहीं नजर आ रही, अब देखें ना, अगर एक मुल्क का वजीर खारजा पाकिस्तान के वजीर खारजा को कहता है कि आपने ये मुलजम गलत तौर पर रिहा किया है, तो उन्हें कहना चाहिए था कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं और ख़ुद मुख्तार हैं और हुकूमत का अदालतों पर कोई असर नहीं है, हम इस मामले में बेबस हैं, अदालतें जो फैसला करें हुकूमत उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, हमारा जुडिशल सिस्टम आज़ाद है और रियासत उसमें फरीक नहीं है। लेकिन क्या शाह महमूद कुरैशी साहब अमरीकी वजीर खारजा को ये बात कह सकते थे? नहीं, ट्वीट में साफ नज़र आई। और क्या हमें ये बात अमरीकी वजीर खारजा के फ़ोन कॉल के बाद समझ आनी थी कि अमरीका को इस बारे में बड़े खदशात और तहफ़ुज़ात हैं, लिहाजा हमें इसमें फरीक बनना चाहिए? भाई अगर हम हमारे डिप्लोमेट्स को और हमारे वजीर खारजा को ये बात की पहले समझ नहीं थी और थप्पड़ खाने के बाद समझ आई है तो मुझे इस पर भी बड़ा अफसोस है।
उन्हें पहले ही फरीक बन जाना चाहिए था ताकि सुप्रीम कोर्ट से केस इस तरह, क्योंकि रिव्यू में तो बहुत कम चांसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप लार्जर बैंक देंगे, जब अपील दे रहे समाप्त ही हो चुके जाके फरीक क्यों नहीं बन गए, तब क्या ख्याल था कि अमरीका लड्डू बांटेगा जब ये उम्र से जो है रिहा हो जाएगा, और ये बीन बजा के सोते रहे, और अब जब थप्पड़ पड़ा है फोन कॉल आई है तो एकदम उठ के बैठ गए, ओहो ये तो बड़ा गलत हो गया शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने फॉरन अटॉर्नी जनरल को कहा कि अमरीका का बहादुर का फोन आ गया लिहाजा फरीक बन गया, इससे पहले कुछ पता नहीं था, क्या सफारत कर रही है। बात है कि हम सभी जानते हैं कि अमरीका को डू मोर कहने की बहुत आदी आदत है, और शायद इस बार भी डू मोर की तरह ही एक मुतालबा हमारे सामने रख दिया। अमेरिका को हमें डिक्टेट नहीं करना चाहिए, आप देखें कि उनके स्पोक्स पर्सन ने जो इंडियन काउंटर पार्ट को ट्वीट किया है वो किस किस्म का ट्वीट था, और हमारे ट्वीट में उन्होंने टेररिज्म का जिक्र कर दिया। बात यह कि हम तो आपके पार्टनर रहे टेररिज्म में, सबसे ज्यादा कुर्बानियां तो पाकिस्तान ने दी है, 70,000 से ज्यादा हमारे शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकत हुई है, कितना इकोनॉमिकल हमें नुकसान पहुंचा है, हम तो आपके साथ मिलके हमने ये सारा नुकसान उठाया, हमारी ये जंग नहीं थी, ये जंग में तो हमें धकेला गया था। जिस दिन जो बाइडन ने अपनी वो सेरेमनी थी उस दिन 40 गाड़ियों का एक कॉन्वॉय दिया, जिसमें टैंक्स भी थे, हम्वीज भी थी, बाकी भी थे, और 200 जो सोल्जर्स थे, ट्रूप्स थे, उनको नॉर्दर्न सीरिया में जहाँ पे उनकी ऑयल रिजर्व है वहां पे पोस्ट कर दिया गया। सो दे से अमेरिका इज बैक। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध अब मुख्यतः अफगानिस्तान के मामले को लेकर ही टिका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अब खुलेआम अमेरिका विरोधी गुट चीन से साठ गांठ कर लिया है। अफगानिस्तान सरकार के विरोधी गुट तालिबान पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है, इसी कारण अमेरिका जब अपने फौजों को वापस बुलाने का फैसला किया तो अमेरिका यह कोशिश किया कि वहाँ की विरोधी गुट तालिबान और वहाँ की मौजूदा सरकार अफसर गनी की बीच किसी तरह का एक सुलह हो जाए, पर समाचारों से यह लगता है कि शांति वार्ता आगे चलने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ विरोधी गुट तालिबान और वहाँ की मौजूदा सरकार के बीच हिंसा की वारदातें बढ़ने लगी है। आप लोगों को यह भी ज्ञात होगा कि अफसर गनी की सरकार भारत समर्थक है और पाकिस्तान विरोधी है, इसी कारण भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पिछले दिनों अफगानिस्तान के दौरे पर भी गए थे। चूँकि अफगानिस्तान की शांति वार्ता खटाई में पड़ती दिख रही है, इसी कारण अमेरिका को यह अनुभव हो रहा है कि पाकिस्तान ने पूरे मन से इस सुलह को कराने की कोशिश नहीं किया। अगर अमेरिका के हित में अफगानिस्तान में पाकिस्तान कुछ नहीं करा सकता तो फिर पाकिस्तान की उपयोगिता अमेरिका के लिए नहीं रह जाएगी। यही कारण है कि पहले दबाव बनाने के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को कहा कि वह अपने यहाँ चरमपंथियों को पनाह न दे जो भारत विरोधी कार्य करते हैं, फिर तालिबान की सुलह न करार पाने के लिए डू मोर के लिए भी दबाव बनाया। अब पाकिस्तान के एक पत्रकार डैनियल पर, जिसकी पाकिस्तान में अगवा करके उसको दुनिया से ही रुस्खत कर दिया गया था, उसके मुख्य अभियुक्त को रिहाई हो जाने के बाद और पाकिस्तानी सरकार द्वारा हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने के कारण भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। जैसी करनी वैसी भरनी, पाकिस्तान इसी का हकदार है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।